योगी उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद पहुंचे, इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, नंबर एक, केंद्र में मोदी प्रधानमंत्री हैं और प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, दोनों तरफ भाजपा की सरकार है, विकास होना लाजमी है। नंबर दो, प्रदेश में जब हमारी सरकार आई तो बहुत चुनौतियां थी, पूरे प्रदेश में गुंडा राज था, गुंडा राज जैसी स्थिति थी, नौजवान बेरोजगार था, किसानों पर कर्ज था। उस समय भी हमारा काम था कि हमने प्रदेश के 86 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। नंबर तीन, समाजवादी सरकार आवास उपलब्ध नहीं करा पाई, हमारी सरकार ने 11 लाख आवास दिए, जिस 2022 तक कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जिसके पास अपना आवास ना हो। नंबर चार, फिरोजाबाद में पेयजल की समस्या है, 2018 तक इस समस्या का समाधान हो जाएगा। नंबर पाँच, हमारी सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण योजना बनाई है, पिछली सरकारों ने इसे नगरीय बना दिया था, इसे खत्म करने में हम लोग आए हैं। नंबर छः, हमारी सरकार ने ऐलान किया था सभी बूचड़ खाने बंद किए जाएंगे। आपको पता है कि हमारी सरकार आते ही सभी बूचड़ खाने बंद किए गए हैं, अवैध ज़मीनों पर कब्जा करने वालों पर भी शिकंजा कसा जाएगा, इसके लिए एंटी भू माफिया कानून का गठन करेंगे। नंबर सात, भाजपा को प्रत्येक निकाय से वोट पड़ना जरूरी है, इस दौरान सभी लोगों से अपनी पार्टी के लिए आम जन से अपील की। हिम्मत त्रिवेदी जी, हमारे पूर्व मंत्री जयवीर सिंह जी, श्री मनीषा सीजा विधायक जी, रामगोपाल लोधी विधायक जी, मुकेश वर्मा विधायक जी, आदरणीय हमारे सुमन चतुर्वेदी जी और मेरे से सीनियर सांसद आदरणीय निडर साहब और सुरेश आनंद जी, सभी पूर्व जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, क्षेत्र प्रदेश और पदाधिकारी गण, बुजुर्ग नौजवान साथियों, माताओं बहनों, पत्रकार साथियों, फिरोजाबाद की लगती नहीं है, दोनों हाथ थकर क्या बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। पहली बार फिरोजाबाद में नगर निगम के हो रहे चुनाव में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, महानगर अध्यक्ष श्री कन्हैयालाल गुप्ता जी, जिलाध्यक्ष श्री बीएन वर्मा जी,